शर्म नहीं लगता है आपको? चराते अपना अपना भोजपुरी आरसीएम चराइए ना, मेरे धनंजय दर का ऑफिशियल पर क्या चरा रहे हैं आप? हैं, नाम चेंज कीजिए, मेरा सारा जितना उस पर गाना कॉन्टेस्ट चराया, मेरा 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 गाना उस पर चराया ना मेरे नाम से, उसको तुरंत तुरंत डिलीट मारिए उसको, क्या कीजिएगा उसको, अपना नाम चेंज कीजिए उसको कंपनी का। मदन कुमार प्रसाद जी जी हैं, अवधेश कुमार वेलकम है, पटेल जी, गुड्डू जी, राकेश कुमार, प्रदीप कुमार जी, राकेश कुमार हाय है, हेलो पटेल, गुड्डू जी, राइटर राकेश भैया भी जुड़ चुके हैं, वेलकम है भैया, सिंगर आर के जाती जी हैं, कुछ हीरो अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। चलिए जितना भी भाई जुड़ गए बनी सब, क्योंकि गोर चुके गोर लगा था नहीं, और आज लाइव आवे के बहुत ही ज़्यादा मकसद हो गए रहे भैया, यही सके यही चलते हम लोगों के बीच में आज लाइव आ गए बनी हम, और आज देखिए कितना हिनौनी हरकत किए हैं उन्होंने राकेश कुमार आरसीए मुझे कौन, और कि जो पहले वाले वीडियो था जिन्होंने मुझे मुझसे बनवाया था उन्होंने, इसके पहले जो विवाद हुआ था उसमें दो चार क्लिप उन्होंने मतलब छुप के लगाकर मोबाइल को बना लिया था हमको कुछ ना कुछ बुलवाकर, और क्या किया है कि मेरे धनंजय धड़कन ऑफिशियल पर जो 1.5 मिलियन करीबन सब्सक्राइब है उसका, उस पर उसने चढ़ा दिया है आज, और आज चढ़ा कर आज सारा पब्लिक के बीच में वो मतलब गुमराह कर रहे हैं सारे पब्लिक को कि धनंजय धड़कन से मेटर मेरा शॉर्ट आउट हो गया है और वो आरसीए में गाने आ रहे, तो ये बात गलत है। हम एक बार खा लिया, हम सरस्वती के माँ की क्रिया खा रहे हैं हम, तो हम गायकी छोड़ देंगे भैया, सीधी सी बात है, लेकिन आरसीए में दोबारा हम लात नहीं धरेंगे। जो कंपनी वाले कलाकारों का शोषण इस तरह से कर रहे हैं और इस तरह से घिनौनी हरकत कर रहा है भाई, ओकरा में हम नहीं गावे जाइए, ये हो सकता है कभी, तो ये बात पर विशेष ध्यान मत देव, क्या कि देखिए धनंजय धड़कन ऑफिशियल कल रात को मैंने जो इंटरव्यू दिया है चारसा म्यूजिक वाले को और मेहदी न्यूज है और बहुत सारे न्यूज वाले हैं जो उन्होंने आए थे मतलब हमसे मतलब जानकारी जानने के लिए कि क्या हुआ धनंजय जी आपके साथ में, मैंने उनको बताया भी, उसी के ऊपर मतलब उसने क्या किया कि धनंजय धड़कन ऑफिशियल पे मतलब पहले वाला वीडियो को उसने चढ़ा दिया है कि मैं उसमें मतलब पहले वाला वीडियो को चढ़ा दिया है कि उसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो शॉर्ट आउट हो गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात गलत है, वो पहले के वीडियो है, आज का वीडियो नहीं है, वो करीबन साल भर पहले का वीडियो है, तो प्लीज़ आप सब उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सुंदर भैया थैंक यू, और मतलब जिस तरह से कर रहे हैं ना तो कोई नहीं, अगर उस तरह से कर रहे हैं तो भाई आप सबसे अगर भाई को आप चाहते हैं ना तो एक बार आप सब कोई लाइव आइए, आप सबको एक बार लाइव आइए और आरसीए म्यूजिक को बहिष्कार कीजिए आप, डायरेक्ट सीधी सी बात है। विवेक भैया जुड़ चुके हैं, क्या बात है भैया प्रणाम, मतलब उसको यार थोड़ा भी माया दया नहीं आ रहा है छी, अरे तोरा तो चुरू पर पानी में डूब के मर जाएगा चाहिए, हैं तोरा के कैसे तू यार कंपनी मालिक बन गया तुम, हैं चूल्हू पर पानी में मर जाना चाहिए आपको डूबकर, कलाकार के साथ अभी इस तरह से कर रहे हैं ना, कलाकार से ही सर्व श्रृंगार बात समझ नहीं, कलाकार से है तो म्यूजिक है, कलाकार से है तो कंपनी है, कलाकार से है तो नाच बाज गाना कैमरामैन सारा कोई मेकअप आर्टिस्ट आते हैं एक कलाकार के लिए और सारे के जुटा होकर काम करते हैं, लेकिन आप नहीं समझेंगे, अरे तोरा तो धनंजय धड़कन से महीने के 10 लाख रुपया कमा रहे हैं आप, तो कोई थोड़ा ही चाहेगा कि सोना के अंडा जो दे वाला मुर्गी छोड़ देवे वो जो जल्द हमारा पीछा पड़ल बढ़ तू, हाँ जब सोना का मुर्गी है जब अंडा देता तो सोना का तो मुर्गी के तक ख्याल रखल करा, तो का टाइम से खियावा टाइम से पियावा कि दूह ले लोगन, तो भैया सब आप सब लाइव आइए एक बार सब कोई मिलकर और आरसीएम का बहिष्कार कीजिए, सीधी सी बात है, और जो वीडियो चढ़ा रखा है ना तो अरे तुमको चढ़ाना था तो तुम्हारा आरसीएम म्यूजिक हिट पर भोजपुरी पर चढ़ाते, तो मेरे नाम का बदनाम क्यों कर रहे हो गुरुजी, एगो तो झांसे में रह के तुमने मेरा धनंजय धड़कन ऑफिशियल भी बना लिया यार, मेरे नाम से बनाकर सलाह उस पर उल्टा सीधा चरा रहे हो आप, बताइए
तो आप जिस तरह से पब्लिक को गुमराह करने के लिए आप सोच रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है। अब आर सी एम जी पर व्यूअर जाए 50,000 या 60,000 रह ना गोयल, जिस तरह से कलाकार के साथ करेंगे या सोच रहे थे कि हम पॉड मिलियन क्रॉस करें, तो भूल जाइए आप। मिलियन क्रॉस उसी समय होता है जब कलाकार के साथ प्यार दुलार बांटा जाता है एक दूसरे को, बना के रखा जाता है उतना स्टेडियम। हाँ भैया विवेक भैया, ओकरा में ओसे ज्यादा ओकरा बुद्धिये नहीं छे, कलाकार के चाहल कि ओकरा के जर्सी गाय समझ लिया, चारा खिया का हेतन लिया, दू लेगा हेतन ले, तो उसके बाद उस जानते हैं पूरा शोषण, पूरी तरह से शोषण कर रहा है हर कलाकार के साथ। बताइए मतलब मेरा गाना जो मतलब उसमें कुछ बचा हुआ था, जो गाना मेरा कुछ बचा हुआ था मैंने शूट करके रखा था, उसमें उन्होंने क्या किया कि शशिलाल भैया भी जुड़ चुके हैं, क्या किया कि मेरे गानों को उसने गाना पर लिख दे रहा है धनंजय धरकन का वीडियो, ठीक फोटो लगा दे रहा है कि औड़ी चौड़ी लड़किया के किसी अदर कलाकार के फोटोज पे लगा के थंबल हटाल दे रहे हैं, अथी 12 बजे रात के बाद में वो रिलीज कर रहे हैं। ए भाई तू हमारा के गिरावल, जब 5-10 गाना लगा के तो यही ना जानेंगे 5-10 जिस गाने को मैंने जिस पे मैंने मेहनत किया वो गाना पब्लिक के पास नहीं पहुँचा, यही ना। तो तू अपन फोटो ला के रिलीज कर दो, चाहे केहू के ला के रिलीज कर दो, ये धनंजय धर उनका चाहने वाला होगा किसी भी तरह से गाने को खोज कर सुनेंगे। तो आप प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तरह से ना करें, और किसी कलाकार के साथ मतलब आप मेरे ही पीछे हाथ धो के क्यों पीछे पड़ गए हैं महाराज, हैं मतलब आपको काम धंधा करना चाहिए, आपको शेड्यूल लगाना चाहिए 6 बजे 5 बजे का भोरवा का थंबल बनाना चाहिए, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप शर्म नहीं लगता है आपको? चराते अपना भोजपुरी आर सी एम चराइए ना, मेरा धनंजय धर का ऑफिशियल पर क्या चरा रहे हैं आप? हैं नाम चेंज कीजिए, मेरा सारा जितना उस पर गाना कॉन्टेंट चला है, मेरा गाना उस पर चला है ना मेरे नाम से, उसको तुरंत डिलीट मारिए, उसको क्या कीजिए, उसको अपना नाम चेंज कीजिए, उसको कंपनी का मेरा नाम के बाद नाम मत कीजिए आप, मेरे ही चैनल पर मेरा ही आप गलत चीज डाल रहे हैं आप उस पर, और पब्लिक को गुमराह करने के लिए आप क्या मतलब क्या सोच रहे हैं कि आप मतलब डाल दिए तो पब्लिक समझ जाएंगे कि क्या मिल गए हम आपसे। आप ऐसे मत कीजिए, किसी कलाकार के साथ भी मर जाए वो बिगड़ जाए। अगर आपको कह दिया जाएगा कि वो गाना गावे वाला स्टूडियो में घुस के तो बकरी लगा चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, मुंह में से बकरी नहीं आवाज नहीं निकलेगा। आज आप कलाकार के साथ इस तरह से सुलूक कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज उस वीडियो को उतारिए, और मेरे चैनल पे आप जिसने जो चैनल मेरे नाम से बना रखे है उस पर गलत चीज़ मत डालिए, क्योंकि उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरा प्रभाव बहुत पड़ रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि पब्लिक उस चैनल के माध्यम से मुझे जानते हैं कि ये धनंजय धरकन का चैनल है, लेकिन वो चैनल मेरा नहीं है, एक ताला चाबी देकर पास भाई आर सी एम मुझे का मालिक के पास, राकेश कुमार श्री श्री 108 क्या बताबा एक एकरा के बारे में जितना बखान करवा बाबू कम बा, एकरा के मोतिहारी जिला लेके चलती घुमैती मेला एकरा के हम सोनपुर के मेला में, तब एकरा दिमाग खुलाइ, तभी आप सब इस पर ध्यान मत दीजिएगा उसके वीडियो पर क्या बोलते हैं, मेरे धनंजय धरकन ऑफिशियल पर चला रखे हैं उस पर, अब थोड़ा भी ध्यान मत दीजिएगा, काहे कि उसको आप सबको गुमराह करने के लिए उस वीडियो को अपलोड किया है, और मैं एक बार आप सभी के बीच में मैं बोल दिया हूँ ना कि मैं आज सी एम को भूल चुका हूँ सीधी तरह से, कि अब कभी भी गाएंगे तो लोटस कंपनी और अदरवाइज बहुत सारे कंपनी है, अदरवाइज ही कंपनी से आएगा, लेकिन मैं किसी उसके अलावा मैं आर सी एम म्यूजिक में था, हमारे को इंटरव्यू जो है मैंने कर चाहे फोटो क्या करिए ना, पहले का गाना थंबा लगा दिया चेंज करके, हरे राम हरे राम हरे गुड पानी ला धनंजय का गाना नया थंबल बना इला 4 बजे रात में छोड़ दीजिए, तो वो करके छोड़ा अब तू जिंदगी भर हमारा पीछे मत पड़ा अब बुझाइल, हाँ तो पीछा मत पड़ा अरे छोरा ना मर दे तुम्हारा, हमारा पीछे पीछे चल तेरा जूता के जान तेरा सोल खिया जाई समझ लो, तो आप अपना दिमाग अपना कीजिए, मेरे पीछे मत पीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे छोड़िए और अपना काम कीजिए, तो हम आपके बारे में अगर पोल खोलना चालू कर देंगे नु तो मतलब आप कर रहे हैं ना कि मतलब कहीं के नहीं रहेंगे आप, तो आपसे यही विनती है कि मेरे उस अभी वीडियो को आप अपलोड से हटाइए, और पब्लिक को मतलब इस चीज़ को आप गुमराह मत कीजिए कि पब्लिक को मतलब गलत संदेश गलत मैसेज पहुंचे, ठीक ना।
तो आप सब इसमें जितने भी जुड़े हुए हैं भाई यूट्यूब वाले भाई, इसको पहले अपलोड कीजिए आप, और उसके बाद में आप सब एक बार लाइव आके और उसको मतलब पूरा आरसीएम को पूरा विद्रोह कीजिए भाई आप सब। जय हिंद, प्रणाम। काला पन्नी दे दे, काला पन्नी ना वाला है। ये वाला कमजोर आता है पहले, बस ये पन्नी वाला कमजोर आता है।